भारतीय सेना को जल्दी बड़ी कामयाबी मिलती दिख रही है। आपको बता दें कि पीएम मोदी के मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत 300 नाग एंटी टैंक मिसाइलें बनाई गई हैं। यह जमीन से हमला करने वाली नाग एंटी टैंक मिसाइलें का वर्जन है, जिनको जल्द ही भारतीय सेना में शामिल किया जाएगा। इससे भारतीय सेना की दुश्मन के बख्तरबंद बल से मुकाबला करने की क्षमता में काफ़ी इजाफा होगा। जानकारी के मुताबिक भारतीय सेना को नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें और लॉन्च व्हीकल का लंबे समय से इंतजार था। नाग एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम उन 5 मिसाइल सिस्टम में से एक है, जिनको भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन यानी कि DRDO ने 1980 के दशक में विकसित करने के लिए योजना बनाई थी। हालांकि कुछ कारणों से यह लटकता चला गया। तो वहीं एक खबर के मुताबिक रक्षा मंत्रालय की उच्च स्तरीय बैठक में 300 नाग मिसाइलों और 25 नाग मिसाइल कैरियर्स व्हीकल को भारतीय सेना में शामिल करने के लिए अधिग्रहण करने के प्रस्ताव पर विचार करेगा। इनकी कुल कीमत करीब 500 करोड़ रुपए बताई जा रही है। SPN 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।